हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्कर्ष, एंड अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। उत्कर्ष, हम लोग रिव्यू के बारे में बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में, लेकिन जो उनसे पहले रिव्यू से पहले जो उनका ऑक्शन हुआ है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऑक्शन कैसा लगा आपको सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में? काफी दिग्गज नाम हम लोग उनके साथ एसोसिएट कर रहे थे कि इनके पीछे भाग सकती है, लेकिन इत्तेफाकन वो किसी के पीछे उन बड़े नामों में से भागी नहीं। काफी इस टाइम का सोच विचार के साथ ये ऑक्शन रहा, क्या ख्याल है उस पे? मैं कहूंगा ठीक है, ओके ओके ऑप्शन था। मतलब आई मीन द थिंग इज दैट एक एक जगह अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरी पहलुओं पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मैं कहूंगा। क्योंकि ओके ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट मुझे लगता है इससे बेटर ऑप्शन हो सकता था, शायद ये ज्यादा सही लाइन होगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि वो आपका हमेशा से थोड़ी सी कमजोरी रही है, तो उस चीज को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए मुझे लगता है इस टीम ने ऑलराउंडर्स में इन्वेस्ट नहीं किया एट ऑल, एंड विच वॉज शॉकिंग एट द सेम टाइम। क्योंकि मतलब ऑक्शन के टाइम पे जब इन्होंने हैरी ब्रुक पे पैसे लगा दिए तो फिर शॉकिंग नहीं था, फिर पता था कि फिर अब आप कर भी नहीं पाओगे। बट 13 करोड़ रुपया खर्च किया है उत्कर्ष इन्होंने, और 42 करोड़ का बजट बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये वो, दिस अमाउंट इज जस्ट नॉट जस्टिफाइबल, एज सिंपल एज दैट। तो वो तो ओवर प्राइस वाली चीज हो गई, बट ठीक है, अपने आपको मिडिल ऑर्डर में स्लॉट इन करने के लिए उन्होंने मतलब वो चीज करने की कोशिश की, जो कि ठीक है, समझ तो आता है कि हाँ आप करना ये कार्य चाहते हो, वो समझ तो आया, पर फिर ये लगा ना कि यार वो करने के चक्कर में ना एक्चुअली और जो होल्स हैं उन पर आपने वर्क ही नहीं किया, क्योंकि आप कर भी नहीं सकते थे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचे, एंड देन फिर आपको मतलब वैसे ही लौटना पड़ा। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लगी इस टीम की, पर ठीक है, अच्छा ऑप्शन था ओवरऑल, बट इससे बेहतर कर सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। उत्कर्ष, इतनी टीमें बैठी हुई थी लेकिन एक एसआरएच के लिए था, हवा बना हुआ था कि एसआरएच 42 सीआर, भाई सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास है, आज तो मैं सबकी बिडिंग खराब करूंगा, ऐसा वाला पावर थी एसआरएच के पास। अगर आप देखो ऑलमोस्ट इतने बड़े बजट के साथ आप किसी भी प्लेयर को खरीद सकते थे, चाहे वो सैम करन हो चाहे वो बेन स्टोक्स हो। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि सैम करन पंजाब के पास चले गए इतने महंगे में, बल्कि एसआरएच के पास इतने पैसे थे कि वो लेके भी उनके पास 4-5 और खरीद सकते थे। तो ऑलराउंडर्स के पीछे ना जाना या अपने पैसों को इतने कंजूस तरीके से खर्च करना, उसके पीछे की क्या मानसिकता हो सकती है? हाँ वो चीज थोड़ी सी, वही तो कह रहा हूँ, वो चीज थोड़ी सी शॉकिंग थी, थोड़ा सा समझ के परे भी था, क्योंकि ऑलराउंडर्स में है ही कौन इस टीम के पास। अगर आप देखेंगे तो वॉशिंगटन सुंदर की जगह आपको कोई नाम ही नजर नहीं आता, जो ऐसा नाम हो जिस पर आप थोड़ा सा ये कह सके कि ओके ही इज दैट काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर जो आपके लिए मैच विनर होगा। तो या तो फिर ये इम्पैक्ट प्लेयर पर बहुत ही ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं कि ठीक है हम उसे यूज करेंगे, पर उसे भी आप किस तरीके से यूज करोगे यार? यूज तो आप इंडियन प्लेयर्स पे ही कर सकते हो ना, चार विदेशी तो आप ऐसे भी खिलाओगे, तो इस चीज का चक्कर फंस जाता है। और मुझे लगता है कि इतनी पर्स के साथ और बेहतर ऑप्शन हमेशा हो सकता था, एटलीस्ट एक ऑलराउंडर आपकी टीम में होना चाहिए था, नहीं है तो थोड़ा सा झोल हो गया, और झोल कहाँ हो गया, वही है कि आपको मयंक भी चाहिए थे, आपको हैरी ब्रुक भी चाहिए थे। एट द एंड ऑफ द डे टीम ने अपने बल्लेबाजी पे बहुत ही इन्वेस्टमेंट कर दी, और जिसकी वजह से स्पिनर्स पर इन्वेस्टमेंट हुई, बल्लेबाजों पर हुई, ना पेसर्स में कोई खास इन्वेस्टमेंट हुई है, ना ऑलराउंडर्स में कोई खास इन्वेस्टमेंट इस टीम ने की है एट द एंड ऑफ द डे। जी बिल्कुल, एक नज़र डाल लेते हैं इनके। वैसे तो इन्होंने बहुत प्लेयर पिकअप किए हैं, शायद से जितनी भी बिडिंग के पीछे ये लोग गए वो इनको प्लेयर बाकायदा मिले सिवाय एक को छोड़ के, थे वो थे बेन स्टोक्स। लेकिन उत्कर्ष, हम लोग यहाँ पे इनके सारे नाम नहीं लेकिन 4 से 5 दिग्गज जो इन्होंने खिलाड़ी पे लागत लगाई है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मयंक मार्कंडे लेगी को ऐड किया इन्होंने स्क्वाड में, जो कि मुंबई इंडियंस से काफी तजुर्बा रखते थे, और ये लेग स्पिन का विकल्प देते हैं टीम को। ऑलमोस्ट मयंक, इन्होंने दूसरे भी मयंक अपने स्क्वाड में ऐड किए, मयंक अग्रवाल को ये लाए, पता नहीं कप्तानी का विकल्प इनको लेंगे कि नहीं ये भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। हैरी ब्रुक को इन्होंने ऐड किया एज डिस्कस्ड 13 करोड़ 25 लाख रुपये में, ये इंग्लैंड का प्लेयर इनकी स्क्वाड के साथ जुड़ा। फिर हेनरिक क्लासेन को जुड़ा, जो कि अभी हम लोग SA20 लीग में डर्बन सुपर जायंट्स की तरफ से उनको देख रहे हैं, हेनरिक क्लासेन के साथ स्क्वाड में जुड़े। मयंक तागर वो जुड़े, यंगस्टर खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी हैं वो जुड़े, स्पिन का विकल्प ये भी देते। आदिल राशिद गुड पिक, एक बहुत अच्छा नाम स्पिन में इन्होंने अपने साथ जोड़ा, जो कि सोच रहे थे कि मुंबई की तरफ ज्यादा जा सकते हैं ये, लेकिन एसआरएच ने इनको पिकअप कर लिया।
राशिद खान की कमी लेकिन तो भी खलती ही होगी उनको, ये भी चर्चा हम लोग करेंगे आने वाले वीडियो में। समर्थ व्यास को ऐड किया, अकील हुसैन को ऐड किया, अनदर गुड पिक अकील हुसैन को, 1 करोड़ में इन्होंने ऐड किया स्कॉट में। विवरान शर्मा आए, एस सिंह आए, यादव जी जुड़े, रेड्डी इनकी टीम में आए और ए सिंह जुड़े इनकी टीम के साथ। ये कुछ ऐसे नाम है जो इनकी टीम के साथ जुड़े। अगर दिग्गज नामों की बात करें तो यहाँ पे मयंक अग्रवाल के बारे में चर्चा करते हैं। उत्कर्ष, मयंक अग्रवाल क्या एसेट है टीम को, कप्तानी के तौर पे, बल्लेबाजी के तौर पे, और क्या ये टीम इन पे इतना भरोसा जताएगी कि इनको कप्तानी देगी? नहीं देंगे तो किसको देंगे। वो कहते हैं ना कि हमारे पॉलिटिक्स में अभी हाल फिलहाल में चीजें बहुत फेमस रहती हैं कि इफ नॉट मोदी देन हु, तो वो वाली चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ विकल्प है, यहाँ सनराइजर्स ईस्टर्न केप को मार्करम हेड कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार कर चुके हैं हैदराबाद के लिए। भुवनेश्वर कुमार इज एन इंजरी प्रोन प्लेयर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नहीं कर सकते लीड, बहुत सीधी सी बात है। सेकेंड, एडन मार्करम अगर आप उनको ईस्टर्न केप के अलावा उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि उतनी अच्छी उनकी लीडरशिप रही नहीं है, और ईस्टर्न केप भी शुरुआत में मैचेस हार रहे थे। ऑनेस्टली मुझे हाल फिलहाल में स्टैंडिंग्स उनकी पता नहीं है कि वेयर दे आर स्टैंडिंग राइट नाउ, मैंने थोड़ा सा ऐसे 20 मिस किया है रिसेंट में, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि जो है ओवरऑल एडन मार्करम, देखिए टीम थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाती है व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर फॉरेन कैप्टन, बिकॉज आपको थोड़ा सा लगता है ना कि आप विदेशी कप्तानों पर कितना ही भरोसा दिखाओगे और एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में वो कितना डिलीवर करेंगे। एडन मार्करम पर टीम को कितना ही भरोसा है, आई मीन अगर मैं सोचता हूँ कि ओके एडन मार्करम इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर और मैं कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता बहुत ट्रस्ट। मुझे लगता है कि ठीक है अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा स्पिन खेलते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, पर ये लेवल का ट्रस्ट आना कि ओके ही कैन बी आवर लीडर और हम इनको अगले 2-3 साल के लिए देख रहे हैं, ये मुझे नहीं आता इतना ट्रस्ट, और मुझे नहीं लगता इस टीम को भी आ रहा है, क्योंकि अगर आता होता तो फिर आप मैन के पीछे ऐसे भागते नहीं। तो डेफिनेटली ब्रायन लारा ने इनफैक्ट कहा था ये चीज कि हाँ आप ये मत सोचिए कि मैन की एकमात्र लीडर है, विकल्प हमारे पास और भी है फलाना फलाना, पर मुझे लगता है नहीं, वो सिर्फ कहने की बात है, अंत पर अंत जो मामला अटकेगा वो मैन पर ही आएगा और बनेंगे भी वही कप्तान, क्योंकि भुवनेश्वर तो नहीं इंजरी प्रोन है, फिर एडन मार्करम का भी मेरे को तो नहीं लगता, देखते हैं क्या होता है।